मित्रों नमस्ते। आज हम जानकारी लेंगे गर्म क्षेत्र में लगाए जाने वाले सेब के पौधे के बारे में। मित्रों आप देख सकते हैं इस पौधे पर फल लगे हैं। यह हमारे गार्डन का पौधा है और यह अभी पकने की अवस्था में है। आप देख सकते हैं और मित्रों इसमें देखिए पुनः सेब सेट होना शुरू हो गए हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, देखिए ये फल, देखिए यहाँ पे ये फल है, ये फल है, ये फल है और दूसरी जगह भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कुछ फल सेट हो रहे हैं कि नहीं। देखिए ये फल अभी पक के तैयार है, इधर भी देखिए और ये नीचे भी देखिए, ये ऊपर भी। और मित्रों नए फल लगना अभी और शुरू हुए हैं, देख लीजिए, देख सकते हैं आप। देखिए इधर भी नए फल लगना शुरू हुए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। मित्रों आज है 11 मई और महाराष्ट्र में तेज धूप पड़ रही है, मान लीजिए 42, 43, 45 तक टेम्परेचर जा रहा है। मित्रों हमारा उद्देश्य सिर्फ फलों के पेड़ों के बारे में जानकारी देना और लोगों को सतर्क करना है। मित्रों ना हमारी कोई नर्सरी है ना हमारा कोई बिजनेस है, इसलिए हम जो जानकारी देते हैं वो सटीक जानकारी देते हैं, क्योंकि ना हमें पेड़ बेचने की लालच है ना पैसे कमाने की लालच है। ये तो हमारा अभ्यास केंद्र है जहाँ पे अलग अलग फलों में अभ्यास किया जाता है। आप देख सकते हैं यह है चीकू का पेड़, देखो कितनी अच्छी मात्रा में इसको अभी फ्रूटिंग होने जा रहा है। देखिए इसको हमने इस तरीके से प्रूनिंग किया है कि ये ऊपर बढ़ता ही नहीं है, ये जमीन पर ही ऐसे बढ़ते रहता है। ये देख लीजिए इधर फ्रूटिंग हुआ है, ये जमीन पर ऐसे ही बढ़ते रहता है, ऐसा सीधे सीधे जाता है। आप देख सकते हैं इधर ये नींबू का पेड़ है, देखिए इसकी सेटिंग, देखिए इसको कितने ज्यादा मात्रा में नींबू लगे हैं, देख लीजिए। और मित्रों इसमें यह हमारे परिवार में यूज होता है, इसलिए हम इसमें कोई खाद यूज नहीं करते, सिर्फ कचरे से जो भी खाद बनती है उसका ही उसमें उपयोग होता है। आपने इस पेड़ को भी इसके पहले देखा होगा अपने ही चैनल पर और इसका प्रूनिंग किया है मैंने अभी, और प्रूनिंग करने के बाद यह अभी अगले साल के लिए तैयार है। अलग अलग प्रकार के पेड़ है मित्रों, आप देख सकते हैं यह अंजीर के पेड़ है, देखो भारी मात्रा में इसको अंजीर लगा है। और यह रामफल है, देख सकते हैं कितना छोटा पेड़ है लेकिन अच्छी मात्रा में इसको फल लगे हैं। और इधर यह अंजीर की दूसरी वैरायटी है, इसको भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी मात्रा में अंजीर लगे हैं। अभी यह पकना शुरू हो गए हैं,
थोड़ा टेम्परेचर अगर कम हो जाएगा तो ये सारे फल पकना शुरू हो जाएंगे। मित्रों यह मैंने ये जो जामुन की दोनों वेराइटी है, तीनों वेराइटी है, इसके बारे में इसके पहले भी मैंने आपको जानकारी दी है। और ये गावा की वेराइटी है, ये वाइट सीडलेस और ये रेड। तो मित्रों मैं महाराष्ट्र से हूँ और मेरी यहाँ की ज़मीन आप देख सकते हैं कैसी है। हमारी इधर ज़्यादातर काली मिट्टी रहती है। देखिए मित्रों यह जानकारी इसकी आवश्यक है कि हमारे वीडियो इंडिया इंडिया के बाहर भी देखे जाते हैं और भारत के सभी स्टेट में देखे जाते हैं, तो सामने देखने वाले को यह पता चलना चाहिए कि यह वीडियो बनाने के बाद किस टेम्परेचर में बनाया गया है, किस टेस्ट है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है। मित्रों आप देख लीजिए यह सोर सूप है जिसको लक्ष्मण फल कहते हैं। देखिए इसका फल। तो मित्रों ऐसे अलग अलग फलों के पेड़ों पे हम रिसर्च करते रहते हैं और जानकारी जुटा के आप लोगों को बताते हैं। और यह एक बगीचा है, दूसरा बगीचा और भी है, तीन मेरे पास टोटल तीन बगीचे। आम का बगीचा अलग है, आम के बगीचे में पूरी आम की वैरायटी लगी है। और किचन गार्डन का जो वेजिटेबल का बगीचा है वो अलग है। मित्रों मैं अब आपको इस एप्पल के पेड़ के बारे में जानकारी दूंगा। मैंने हिमाचल प्रदेश के अच्छे कंपनी से, बायोटेक कंपनी से तीन पेड़ मंगाए थे, उसमें से एक पेड़ मेरे पास बचा है। मित्रों यह सीडलिंग प्लांट है, ये रूटस्टॉक पे नहीं है और यह ग्राफ्टेड है, लेकिन सीडलिंग पे ग्राफ्टेड है, रूटस्टॉक पे ग्राफ्टेड नहीं है। इसमें रूटस्टॉक जो है M9 M11 इस तरह से अलग अलग रूटस्टॉक आते हैं जो विदेश से मंगाए जाते हैं और फिर उस पर ग्राफ्टिंग किया जाता है। मित्रों अक्सर YouTube पर आप वीडियो देखते होंगे कि राजस्थान के एक किसान ने, एक भाई साहब ने एप्पल की खेती करके लाखों रुपए कमाए और फिर महाराष्ट्र के किसान वहां से पौधे मंगा के खेती करना शुरू कर देता है। मित्रों किसी भी खेती करने के पहले उसकी पूरी जानकारी लेना आवश्यक है, उसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है इसकी जानकारी लेना आवश्यक है। और यह जानकारी कोई नर्सरी वाला आपको नहीं बताएगा, वह तो अपने पेड़ों की तारीफ ही करेगा, लेकिन क्या सचमुच हमारे वातावरण में यह हो सकते हैं इसकी भी जानकारी किसान मित्रों को लेना आवश्यक है। अभी मित्रों देखिए मैं इसका एक ड्रॉबैक आपको बताता हूँ। देख लीजिए कल हमारे यहाँ बारिश हुई और थोड़ी हवा भी आई थी बारिश के साथ, उसके कारण क्या हो गया कि इसके फल नीचे गिर गए। देखिए आप देख सकते हैं। और दूसरी बात जान लीजिए, इसमें जो मिठास है वह मिठास और वह टेस्ट जो जम्मू कश्मीर हिमाचल ठंडे प्रदेश से जो सेब आते हैं उतनी अच्छी इसकी मिठास नहीं है, उतनी अच्छी इसकी टेस्ट नहीं है। इसके कारण मुझे नहीं लगता कि इन फलों को तोड़ के मंडी में ले जाने के बाद इसे कोई पसंद करेगा या नहीं। मित्रों अब मैं आपको एक बड़ा मैच्योर्ड फल तोड़ के बताता हूँ। ये देख सकते हैं ये पूरा मैच्योर्ड है, इसको कलर आया है, ये देख लीजिए। मैं इसको खा के बताऊंगा। मित्रों इसमें जैसी मिठास होनी चाहिए वैसी मिठास नहीं है।
और दूसरा एक इसका ड्रॉबैक मैं आपको बताता हूँ, इसमें पक्षियों की बहुत ज़्यादा मात्रा में तपली गई। मित्रों, मेरे पेड़ों पर ढेर सारे फल लगे थे, लेकिन बहुत से फल पक्षियों ने खाए और कुछ फल आंधी तूफान की वजह से ऐसे नीचे जमीन पर गिर गए। किसान भाई अगर इसकी खेती करना चाहता है तो सबसे पहले इसकी अच्छी तरीके से जानकारी लेनी चाहिए और इसके बाद ही इसको अपने ज़मीन में लगाने की सोचना चाहिए, फार्मिंग करने की सोचना चाहिए। और दूसरी बात, मेरी ऐसी सलाह है कि आप अगर अपने किचन गार्डन में या दो चार पाँच दस पौधे लगाते हैं तो कोई बात नहीं है, आपको कुछ अलग चीज खाने को मिलेगी। लेकिन अगर बागवानी करना है, इससे अगर मुनाफा कमाना है, तो थोड़ा सोचकर ही आप इसका बगीचा लगा सकते हैं। मित्रों, अगले साल मैं अलग अलग रूट स्टॉक पे अलग अलग एप्पल की सेब की प्रजातियों को लगाने वाला हूँ और वह ऐसे प्लांट रहते हैं उसको पहले साल में ही फल आना शुरू हो जाता है, तो उसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। मित्रों, गलत जानकारी देके सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, लाइक्स बढ़ाने के लिए या पैसे कमाने के लिए कोई भी वीडियो बनाने वाला उसकी अच्छाइयों के बारे में ही बताते हैं, उसमें क्या ड्रॉबैक है इसकी जानकारी नहीं देते। इसी कारण हमारे किसान भाई, हमारे बहुत से मित्र उसमें फंस जाते हैं, उनको बहुत नुकसान होता है। तो मित्रों, यह थी सेब के बारे में जानकारी। आपको और भी कुछ इसमें जानकारी चाहिए तो आप मेरे से ले सकते हैं। आप देख सकते हैं इसकी प्रूनिंग किस तरह की है, एक जो लीड मेन लीडर रहता है उसको वैसे ही रखा गया है और बाकी पूरी ब्रांचेस को मैंने प्रूनिंग कर डाली है। और इसकी प्रूनिंग किस विधि से करते हैं इसका भी वीडियो मैंने इसी यूट्यूब पे डाला है, और अगले बार जब इसकी फ्रूटिंग की प्रूनिंग की जाएगी तो इसका भी वीडियो मैं इसी यूट्यूब चैनल पे जरूर डालूंगा। मित्रों, धन्यवाद।